जुले नमस्ते जय हिंद जसपीती बनियाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वक्त अभी मैं काजा में हूँ और मेरे साथ एक ऐसे कपल है जो हिस्ट्री जिन्होंने क्रिएट की है इंडिया के अंदर पहली बार और हाई अल्टीट्यूड में जाके बैटिंग की है। और सबसे खासियत जब ये बैटिंग में सात फेरे ले रहे थे तब स्नोफॉल हो रहा। तो मेरे साथ हैं बूरा जी, आर्य बूरा जी हैं, उनके साथ श्रीनिवास जी हैं और रंजीत श्रीनिवास जी। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा ये कैसे इनके दिमाग में ये आइडिया थ्रो आउट हुआ कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। तो मैम प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे इस तरफ। सो मैं हूँ आर्य और मैं ट्रैवलर हूँ, ये मेरी शेरनी है। मैं सालों से ट्रैवल कर रही हूँ और मैं स्पीति वैली दो बार आ चुकी हूँ, तो लैंडस्केप तो मुझे बहुत पसंद है। दैट्स हाउ मैंने उनको मनाया, ये दुबई रहता है तो मैंने उनको मनाया कि चलो हम पहाड़ों में शादी करते हैं, यहाँ पर बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते हैं। एंड दैट्स हाउ जस्ट वॉन्ट टू मेक इट वेरी स्पेशल। और हमने ये एक्सपेडिशन प्लान किया, द लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप वेडिंग एक्सपेडिशन, और हम यहाँ पहुँच गए। हम लोग एक्चुअली 13 साल वेट किया तो सोचा कि कुछ तो अब तो कुछ नया होना कुछ चाहिए, तो अलग होना चाहिए। अब जैसे आप केरला के हैं, ये बॉम्बे बॉर्डर फिर गुजरात में सेटल्ड है, फैमिली को कैसे मनाया? गुजरात की मैं हूँ लेकिन मुंबई सेटल हूँ, ये केरला के लेकिन दुबई सेटल है। फैमिली एक्चुअली नहीं आ पाई, स्पेशली पेरेंट्स यहाँ पर, क्योंकि इतना एल्टीट्यूड है उनके लिए पॉसिबल नहीं था। बट बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स सारे हमारे साथ हैं। तो पहले तो यही था कि फैमिली नहीं है कैसा शादी करेंगे नॉल। तो फिर हमने पहले इंगेजमेंट रिंग सेरेमनी मुंबई में हमने खत्म किया सब लोगों को मिला के। अब यहाँ से वापस हम केरला जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे। सो ये हमारा ड्रीम था, तो वी आर सो ग्रेटफुल कि हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट दिया है। ठीक है, और मुझे एक और चीज़ बताया कि इंडिया के अंदर अभी पिछले 2-3 महीनों से एक कंसेप्ट निकल के आया, पहले फॉरेन कंट्रीज में होता था कि डेस्टिनेशन वेडिंग, और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है। आपको क्या लगता है कि ये टूरिज्म को बूस्ट अप करने के लिए किस तरह का कंसेप्ट है? नहीं, जरूर डेस्टिनेशन वेडिंग तो होते ही हैं, बट जैसे हमने देखे हैं कि बहुत सारे स्नो अपने जितनी जगह हैं इंडिया में, आई मीन शिमला हो गया, मनाली हो गया, कश्मीर हो गया, वहाँ पर तो ईजिली हो जाता है क्योंकि रिजॉर्ट सब ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बट ऐसे रिमोट प्लेस में करना विच इज़ वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक जो गिनी चुनी जगह है उससे थोड़ा बाहर निकल के एफर्ट्स करके, क्योंकि यहाँ पर सस्ते भी ज़्यादा होता है। वहाँ पर आप करोड़ जो इन्वेस्ट कर लोगे उसके 25% यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके आप अच्छी वेडिंग कर सकते हो विद ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, और साथ में आपकी प्राइवेसी भी रहेगी। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म की वजह से भी ये चीज़ ज़्यादा बूस्ट होनी चाहिए। दैट्स हाउ आई डिड दिस इनिशिएटिव। इस पूरे प्लानिंग के पीछे आपके पीछे प्लानर कौन था, वेडिंग प्लानर कौन है, कौन है जिसने सारे के आइडिया, तो आपका आइडिया मेरा है, उसको इंप्लीमेंट करने वाली टीम कौन सी है? वेडिंग प्लानर है, एक अलग से टीम है, उनके जो ओनर है वो है मिस्टर रजत भाई, तो वो अपनी इवेंट कंपनी चलाते हैं। फिर एक्सपेडिशन की जो कंपनी चलाते हैं ओवरलैंडिंग रिग करके जो कंपनी है वो है अक्षीज भाई, जो वो एक्सपेडिशन प्लान किया है, जो हमारे यहाँ पर पूरा स्टे और सारा लोकल चीज़ें देखना है हमारे मनप्रीत भाई, सोशल कोरियार जो चलाते हैं यहाँ पर रंगरिक में। तो ये सारे लोग हमारे साथ, हमारे सारे फैमिली मेंबर फ्रेंड्स तो हमारे साथ रही हैं। लास्ट मैसेज स्पीति के लिए, आपका क्या मैसेज है और स्पीति के लिए? स्पीति वाली मेरा तो घर बन चुका है, मेरी शादी हो गई यहाँ पे, तो मैं तो समझ लो कि शायद ससुराल ही हो गया एक तरीके से। तो शायद जिंदगी में बस ऐसा मौका मिल जाए कि खुद का घर हो यहाँ पे, मेरा ड्रीम है। एंड आई एम ऑलवेज इन लव विद स्पीति वैली, मेरा फेवरेट है, डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ नए न्यूली मैरिड कपल जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। इनकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल हो, और अपने दोस्तों को भी यहाँ स्पीति में मैरिज करवाने के लिए लेके आए, और हमारा लोकल टूरिज्म और बूस्ट हो। थैंक यू।